Welcome to Mishika classes. Our today's topic is force, work and energy part number 2. And in today's topic, we are going to discuss about the rest of the types of forces and the work. आज हमारी किसकी क्लास है? आज का टॉपिक है हमारा force, work and energy की part number 2 की क्लास है और टॉपिक है जो forces हमने कल discuss कर लिए थे उसके बाद के जो forces हैं वो आज हम discuss करेंगे और साथ ही साथ आज हम डिस्कस करेंगे वर्क के बारे में. वर्क किसे कहा जाता है ये भी डिस्कस करेंगे. इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब माय चैनल. फर्स्ट ऑफ ऑल जो फोर्सेस हमने डिस्कस कर लिए थे, हमारे टू फोर्सेस रह गए थे उसमें से. द फर्स्ट इज द इलास्टिक फोर्स. सबसे पहला कौन सा है? इलास्टिक फोर्स है. तो व्हाट इज इलास्टिक फोर्स? इलास्टिक का मतलब क्या होता है? जो इलास्टिक होता है जो खींचता है बेसिकली उसे कहा जाता है द फोर्स. जो फोर्स वो होगा जो इसको खींचने में लगाया जाएगा. व्हेन फोर्स इज अप्लाइड टू चेंज द शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट. फोर्स इज अप्लाइड इट चेंज द शेप ऑफ द. जब भी फोर्स लगाया जाएगा तो इसे व्हाट हैपन क्या होगा, इससे जो भी ऑब्जेक्ट की शेप है वो चेंज हो जाएगी. ओके बेसिकली करता कैसे है? इट इज अप्लाइड ऑन द इलास्टिक मटीरियल. सबसे पहले करने के लिए conditions क्या होती है? पहला कंडीशन तो यही है कि जिस मटीरियल पे आप अप्लाई कर रहे हो उसका नेचर कैसा होना चाहिए? इलास्टिक होना चाहिए. ओके इलास्टिक इन नेचर होना चाहिए. मीन्स उसमें क्या होना चाहिए, उसकी जो खींचने की जो पावर है वो अच्छी होनी चाहिए, तभी आप फोर्स लगा सकते हैं. ओके स्ट्रेच होना चाहिए, कंप्रेस होना चाहिए, रिलैक्स होना चाहिए. तो इस तरह की कुछ उसमें फोर्सेज लगाए तो वो टूटे नहीं, ऐसा कुछ होना चाहिए. द फोर्स इज अप्लाइड इन स्ट्रेच्ड और कंप्रेस्ड फॉर्म. जब फोर्स लगाओगे तो क्या होगा, या तो स्ट्रेच हो या फिर वो कंप्रेस्ड हो जाए, यानी कि सुगड़ जाए या स्ट्रेच मतलब खींच जाए. स्ट्रेच का मतलब क्या होता है? एक्सटेंड होना. कंप्रेस का मतलब क्या होता है? श्रिंक होना. ओके व्हेन द फोर्स इज अप्लाइड इन स्ट्रेच्ड और अ कंप्रेस्ड फॉर्म दिस इज अ शेप. ये मैंने एक ऑब्जेक्ट लिया, ऊपर वाला जो है ऑब्जेक्ट है उसमें मैंने क्या करा, फोर्स लगाया स्ट्रेचिंग का. जैसे ही मैंने उसका स्ट्रेचिंग का फोर्स लगाया तो क्या हो गया, खींच गया. ओके नाउ व्हाट विल हैपन, जैसे ही मैंने फोर्स को हटा दिया ओके इट विल गेट रिलैक्स. वो क्या हो गया, रिलैक्स हो गया. देखो शेप चेंज होते होते कितनी रह गई, जस्ट लाइक दिस. ओके पहले कितना बड़ा था, जैसे ही मैंने जो फोर्स हटाया इट विल गेट रिलैक्स्ड. वो क्या हो गया, रिलैक्स्ड हो गया और वो रिड्यूस होके कितना रह गया, इतना रह गया. ओके नाउ नेक्स्ट इज अ मैकेनिकल फोर्स. नेक्स्ट कौन सा है? मैकेनिकल फोर्स है द व्हेन. अब मैकेनिकल फोर्स का मतलब क्या हो गया, मशीनरी से पार्ट लिंक्ड अप हो गया. ओके When the force is applied between the two objects, पहली कंडीशन तो यही है इसके अंदर कि दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में लगेगा. एंड व्हाट विल हैपन, जो दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में लगाओगे द स्टेट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज द चेंज. क्या चेंज हो जाएगी? उसकी स्टेट चेंज हो जाएगी. अब बात आते हैं स्टेट किसे कहते हैं. मीन्स जो ऑब्जेक्ट है वो हमारा कैसी कंडीशन में है, मूविंग कंडीशन में है, रेस्ट कंडीशन में है, रुका हुआ है, चल रहा है, भाग रहा है, टूट रहा है, तो दैट इज कॉल्ड द स्टेट. वो क्या कहा जाता है, उसे स्टेट कहा जाता है. तो मैकेनिकल फोर्स क्या होगा, बेसिकली इस फोर्स के अंदर क्या होता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी दो ऑब्जेक्ट बेसिकली क्या होते हैं, उनकी स्टेट को चेंज करना. अगर हमने कोई भी ऑब्जेक्ट है उसके हमें स्टेट को चेंज करना है, यानी कि उसको मूव करना है या उसको रिलैक्स करना है, मतलब टेस्ट में लाना है. ओके तो दोनों ही कंडीशन के अंदर हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों के डायरेक्ट कॉन्टेक्ट आना जरूरी है. फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल की तरह आपको मैं समझाती हूँ. आई एम ड्राइविंग अ कार. मैं क्या कर रही हूँ, मैं कार ड्राइव कर रही हूँ. ओके अब मैं कार ड्राइव कर रही थी, इट मीन्स माई कार इज इन द मूविंग स्टेट. मुझे मूविंग स्टेट में मेरी कार, तो वॉट विल हैपन, अब मुझे उसकी स्टेट चेंज करनी है तो आई हैव टू ब्रिंग इट टू द रेस्ट. मुझे उसे रेस्ट में लाना पड़ेगा. अब मुझे उसकी स्टेट चेंज करनी है तो वॉट विल आई विल डू, मैं क्या करूँगी, आई विल अप्लाई द ब्रेक्स. मैं ब्रेक्स अप्लाई कर दूंगी तो वॉट विल हैपन, जैसे ही मैं ब्रेक को डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में आऊंगी तो देन वॉट विल हैपन, द स्पीड ऑफ द कार विल फर्स्ट ऑफ ऑल द स्पीड ऑफ द कार विल गेट रिड्यूस एंड देन फाइनली द स्पीड द कार विल बी स्टॉप. लेकिन फाइनली क्या हो जाएगा, कार स्टॉप हो जाएगी. लेकिन वह तभी हो पाया जब वो डायरेक्ट कॉन्टेक्ट था. ओके या फिर मेरी कार बिल्कुल खड़ी है, मूविंग नहीं है, नॉट मूविंग इन अ कंडीशन, वो मूविंग कंडीशन में नहीं है, वो एक जगह पर स्टेबल खड़ी है. बट आई वॉन्ट टू गो फॉर सम राइड, मुझे किसी राइड पर जाना है, आई वॉन्ट टू गो फॉर अ राइड, तो वॉट विल आई विल डू, क्या करूंगी मैं, आई विल ड्राइव अ कार. मैं क्या करूंगी, कार को ड्राइव करूंगी. फॉर दैट वॉट आई हैव टू डू, आई हैव टू एक्सेलरेट इट. मुझे क्या करना पड़ेगा, एक्सेलरेट करना पड़ेगा, मुझे उसकी स्पीड को इंक्रीज करना पड़ेगा, सो दैट माई कार विल बी स्टार्ट, ताकि मेरी कार स्टार्ट हो जाए एंड इट विल कम इन द मूविंग कंडीशन एंड आई विल गो फॉर अ ड्राइव, और मैं ड्राइव पर जा सकूँ. तो अगेन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट होगा,
मेरे बीच में और एक्सेलरेटर के बीच में। तो दिस टाइप ऑफ फोर्सेस इज नोन एज द मैकेनिकल फोर्सेस। इस तरह के फोर्सेस को हम क्या कहते हैं, मैकेनिकल फोर्स कहा जाता है। इट इज अप्लाइड बाय द डायरेक्ट कॉन्टैक्ट ओनली, मीन्स दोनों बॉडीज का, दोनों ऑब्जेक्ट्स का डायरेक्ट कॉन्टैक्ट होना बहुत ज्यादा जरूरी है। दोनों एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में आना, दोनों एक दूसरे के टच में आना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। जो मूविंग ऑब्जेक्ट कम्स टू द रेस्ट, इसको ऐसे लगाने से क्या होगा, जो मूविंग ऑब्जेक्ट होगा वो रेस्ट में आ जाएगा एंड रेस्ट कम्स टू द रेस्ट, और जो रेस्ट ऑब्जेक्ट है जो रुका हुआ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है क्या आ जाएगा, मूविंग ऑब्जेक्ट मूव करना स्टार्ट कर जाएगा। ओके, इट ऑल्सो हेल्प इन बेंडिंग द ऑब्जेक्ट, अगर ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा तो बेंड हो जाएगा, अगर थोड़ा सॉफ्ट होगा या नॉट हैविंग सो मच स्ट्रेंथ सो दैट इट कैन बेंड, तो इट विल फ्लेक्स, इट विल क्या होगा ब्रेक हो जाएगा। फॉर एग्जांपल इफ आई एम बेंडिंग अ आयरन रोड, तो डॉ दी आयरन रोड का अगर बेंड करने की कोशिश करूंगी तो गेट चेंज द शेप, वो शेप चेंज कर देगा। इफ आई एम ट्राइंग टू चेंज द शेप ऑफ द ग्लास रोड, लेकिन ग्लास रोड की शेप को मैं चेंज करने की कोशिश करूंगी तो वट विल हैपन, इट विल ब्रेक हो जाएगा। तो अगेन मैकेनिकल फोर्स जो है इट ऑल्सो हेल्प्स इन द बेंडिंग एंड ब्रेकिंग द ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट फोर्स, दिस इज ऑल अबाउट द फोर्स, द फोर्स के बारे में। ओके, अब फोर्स के बारे में एक और, के बारे में एक और इंपॉर्टेंट चीज आई हैव टू वांट टू टेल यू, मैं एक और चीज बात करती हूं आपको इसके बारे में, दैट द यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन। व्हाट इज द यूनिट ऑफ फोर्स, न्यूटन। अगर मुझे कैलकुलेट करना है कि मैंने कितना फोर्स लगाया तो मैंने आई विल कैलकुलेट इट इन द न्यूटन्स, मैं सिर्फ न्यूटन्स में कैलकुलेट करूंगी। ओके, तो नेक्स्ट टॉपिक इज वर्क, अब हम बात करेंगे वर्क के बारे में। ओके, नाउ व्हाट इज वर्क, वर्क किसे कहते हैं, व्हेन फोर्स इज अप्लाइड, जब फोर्स अप्लाई, अब फोर्स अगर आपको समझ में आ गया है तो वर्क आप बहुत इजीली समझ पाओगे। ओके, ये टॉपिक्स है ना, ये फोर्स वर्क एंड एनर्जी तीनों ही इंटरलिंक्ड है। पहले फोर्स आता है, देन वर्क समझ आता है, उसके बाद ही एनर्जी समझी जाती है। तो जरूरी है वर्क आपको समझ में आए कि आपको फोर्स समझ में आए। Now, work. Work की definition कैसी है? Work किसे कहते हैं? जब हमने force लगाया और वो जो object है वो move करता है उसी direction में जिस direction में force लगाया गया है, then it's said to be work is done. तभी कहा जाता है कि work हुआ है। When force is applied to an object and the object is moved in the direction of force, then it is called the force work. तभी हम कहेंगे कि work done हुआ है। Means force लगाने पर जिस direction में force लगा रही, if I'm putting in the forward direction, the object should move in the forward direction. Object को forward direction में ही move करना पड़ेगा, तभी हम कहेंगे work done हुआ। अगर if दोनों में से एक भी condition fulfill नहीं हो पाती है, means या तो वो उस direction में move नहीं कर पाता है या फिर opposite direction में move कर पाता है, then we say that no work is done, तब कहा जाता है कोई भी work done नहीं हुआ है। When force is applied, force applied हुआ to an object and the object is not moved, or object kya tha koi bhi move nahi kiya, then what we will say that the work is not done, work nahi hua hai. Work tabhi kaha jata hai hua hai jab hume dikhta hai, seedhi si baat hai, jo dikhta hai wahi dikhta hai, wahi baat yahan par bhi hai. Work aapne kiya hai wo aap tabhi bata paoge jab aapne kuch usme kara hai. For example, kisi bhi company mein agar aap job kar rahe ho aur aapko ek target diya gaya ki aap you have to produce this particular object 15 in one day, okay? Okay. So what will you have to do? क्या होमवर्क दिया, दैट यू हैव टू लर्न द चैप्टर फोर्थ वर्क एंड एनर्जी, यू हैव टू लर्न द साइंस चैप्टर फोर्थ वर्क एंड एनर्जी, टेस्ट नेक्स्ट वीक। ओके, आपके टीचर ने आपको होमवर्क क्या दिया है, कि आज आपको होमवर्क क्या है, फोर्थ वर्ड के अंदर भी आपको लर्न करता है, तो आपका टेस्ट है। अब आप अपने टीचर को कैसे बताओगे कि आपने वर्क किया है, आपने मतलब होमवर्क करके लाया, सिंपल। अगर आपके टीचर आपका टेस्ट लेती है, देन यू हैव टू परफॉर्म इन द टेस्ट, आपको उसमें परफॉर्म करके दिखाना पड़ेगा। इफ यू डू नॉट परफॉर्म इन द टेस्ट, अगर आप परफॉर्म नहीं करके लेते, देन टीचर विल बी
सेल्फ अंडरस्टैंड दैट यू हैव नॉट डन योर होमवर्क, तब टीचर आप अपना समझ जाएगी कि आपने कुछ काम किया ही नहीं, बट इफ यू आर परफॉर्मिंग द टेस्ट वेरी वेल, अगर आप उसके टेस्ट में अच्छा परफॉर्म करोगे देन टीचर विल अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज योर वर्क, समझ जाएगी कि आपने वर्क किया है, मींस जो दिखता है हम उसी को ही मानते हैं कि वर्क हुआ है. ओके, ऐसे नहीं है कि हम कहते हैं कि हाँ वर्क हुआ. अब बाप ने कहा मैम मैंने तो याद किया था बट मैं क्लास में आके भूल गया, जब स्टूडेंट बोलते हैं ना दैट मैम दैट टीचर आई हैव डन माय होमवर्क बट व्हेन आई कम टू माय क्लास व्हेन आई एम परफॉर्मिंग द टेस्ट आई फॉरगॉट ईच एंड एवरीथिंग, देन इट इज अ एक्सक्यूज. क्या कंसिडर करते हैं इसको, एक्सक्यूज कंसिडर करते हैं. व्हाई, बिकॉज हम कैसे मान लें कि आपने याद किया था, वी डिडंट सी ना, हमने देखा तो नहीं है ना. ओके, और हमें परफॉर्मेंस खुद चेक करेंगे तभी पता चलेगा. तो इसीलिए वर्क किसे कहते हैं कि जिस डायरेक्शन में आपने फोर्स किया, आप फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा था आपका स्टंप था इन लर्निंग का चैप्टर, चैप्टर को लर्न करने में लग रहा था, तो जिस डायरेक्शन में आपने फोर्स लग रहा है उसी डायरेक्शन में आपका ऑब्जेक्ट भी मूव करना चाहिए. मीन आप लर्न कर रहे थे, आपका फोर्स लगा रहे थे और आपको याद भी होना बहुत जरूरी था. अगर आप याद कर रहे थे और आपको याद हो गया मीन्स आपने काम कर लिया. सिंपल, व्हेन फोर्स इज अप्लाइड मीन then you learn the chapter. The object is moved in the direction of force. You perform the test. Then that work is done. अभी हम कहेंगे that you have learned the chapter. Your work is done. Simple. When force is applied, you have learned the chapter. And the object is not moved in the direction of force. But you do not perform in your test. Then you say that work is not done. You do not learn the chapter. याद ही नहीं किया. सिंपल, समझ में आ गया आपको, बहुत अच्छे समझ में आया होगा. मैंने आपको जो टर्म जो आप डेली रूटीन का जो ये जनरली स्टूडेंट्स करते हैं वही एग्जांपल लाइव एग्जांपल को मैंने इसमें आपको बताया है, टर्म्स के अकॉर्डिंगली ब्रेक करके भी आपको समझा दिया. मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया. स्टिल यू हैव एनी डाउट यू कैन कमेंट, फिर भी आपको कोई डाउट है तो मुझसे पूछ सकते हैं. ओके, नाउ नाउ द एग्जांपल, अब मैं बात करते हैं एग्जांपल. मींस कुछ स्टूडेंट कहते हैं कि हमने वर्क किया है बट हाउ वी कैन रियली प्रूव दैट वी हैव वर्क इन डन और नॉट. फर्स्ट इज राइटिंग इन द नोटबुक, नोटबुक में लिख रहे हैं वर्क इज डन. वर्क डन कंसीडर होता है, व्हाई कंसीडर द वर्क डन, बिकॉज वी आर राइटिंग इन नोटबुक द टीचर विल सी दैट, टीचर को दिखेगा कि दैट इज अ प्लान स्टार्टिंग स्टार्टिंग देयर इज अ ब्लैंक पेपर बट नाउ देयर इज अ रिटन इन दैट. अब दिख रहा है कि तो पेपर पे कुछ लिखा है, दिस वर्क इज डन. रीडिंग अ बुक वर्क इज नॉट डन, रीडिंग अ बुक को वर्क डन नहीं कंसीडर होता. व्हाई, बिकॉज रीडिंग आपने करी है तो यू हैव परफॉर्म इट इन नॉट, यू कांट टेल इट, आप उसे नहीं दिखा सकते कि आपने वो करा ये नहीं था. दैट्स व्हाई इट इज कंसीडर्ड वर्क इज नॉट डन, इसलिए उसको वर्क इज नॉट डन में कंसीडर किया. ठीक है, द नेक्स्ट एग्जांपल इज द मूविंग अ लोड फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, अगेन वर्क इज डन. कोई मेरे पास हैवी लोड है, कोई बहुत भारी सामान है, मुझे एक जगह से उसे दूसरी जगह पर लेके जाना है और मैं उसको ले भी जाती हूँ, देन इट विल कंसीडर वर्क इज डन. तभी हम कंसीडर कर रहे हैं कि वर्क इज डन. एंड अगेन दूसरा एग्जाम्पल क्या हो गया, देन जस्ट नाउ होल्डिंग अ लोड एट अ सिंगल पोजीशन व्हाइल स्टैंडिंग, और मतलब सिंगल पोजीशन पर ही हम खड़े हैं और उस पोजीशन पर मैं खड़े होकर सिर्फ उस होल लोड को मैं उठा के खड़ी हूँ. ओके, आई एम जस्ट होल्डिंग दैट लोड, तो देन इट विल कंसीडर वर्क इज नॉट डन बिकॉज लोड ने कोई भी डिस्टेंस ट्रेवल नहीं किया है. ओके, तो इट इन दिस वे वी कैन कैलकुलेट दैट वर्क इज डन और नॉट. मीन्स जो दिखता है वही बिकता है, मीन्स जो वर्क किया वो आपका नजर आएगा उसी को ही कंसीडर किया जाएगा कि वर्क इज डन, अदरवाइज वर्क इज नॉट डन. नाउ अब हम कैलकुलेट कैसे करेंगे दैट वर्क इज डन और नॉट, दिस इज अ डायग्राम. ये डायग्राम मैंने एक बनाया है, इसमें क्या है, एक स्टार्टिंग में पॉइंट है, वो पॉइंट को हमने डिस्टेंस मूव करवाया और एंडिंग तक ले गए. ओके, तो ये जो एरो फर्स्ट वाला, ये फोर्स अप्लाइड है, मैंने यहाँ पर 10 न्यूटन का फोर्स लगाया. जैसे 10 न्यूटन का मैंने इस फोर्स लगाया इस ऑब्जेक्ट के ऊपर, दैट ऑब्जेक्ट मूव्स अ डिस्टेंस ऑफ 5 मीटर, उसने 5 मीटर का डिस्टेंस मूव करके वो पहुंच गया. देन हाउ वी विल कैलकुलेट, तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, बाय यूजिंग अ फार्मूला. द फार्मूला इज वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस. व्हाट इज द फार्मूला, W इज इक्वल टू F मल्टीप्लाई बाय D. W इज अ वर्क डन, W इज इक्वल टू F इनटू D, यानी F और D, यानी जितना पे फोर्स लगाया है और जितना आपने डिस्टेंस ट्रेवल किया, दोनों को क्या कर दो मल्टीप्लाई कर दो, तो उससे क्या पता चल जाएगा कि कितना वर्क डन हुआ है. W इज इक्वल टू F मल्टीप्लाई बाय D. W का मतलब क्या हुआ, वर्क डन, कितना वर्क आपने किया है. F का मतलब क्या हो गया, फोर्स अप्लाइड, कितनी फोर्स लगाई गई है. D का मतलब क्या हो गया, डिस्टेंस मूव,
कितना डिस्टेंस उसने मूव किया है। नाउ अब हमने कैलकुलेट करना है इसका वर्क डन कितना। तो सिंपली फोर्स कितना है 10 है, डिस्टेंस कितना है 5 है, तो 10 5 जा 50, आंसर इज 50 जूल्स। वर्क जो है जूल्स में कैलकुलेट करते हैं, फोर्स जो है वो न्यूटन में कैलकुलेट होता है, एंड डिस्टेंस इज इन द मीटर। डिस्टेंस किस में कैलकुलेट होता है, मीटर में कैलकुलेट होता है। ओके, इन दिस वे यू कैन कैलकुलेट द वर्क, और वर्क के जो मेथड्स है वो इसी तरह के कुछ आते हैं। आई होप यू गेट द पॉइंट व्हाट आई वांट टू एक्सप्लेन यू। वर्क एंड फोर्स बोथ द टॉपिक्स आर क्लियर इन योर माइंड टिल द एंड ऑफ द वीडियो। इन नेक्स्ट वीडियो वी विल गोइंग टू लर्न द एनर्जी। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम एनर्जी डिस्कस करेंगे, और अब फोर्स और वर्क ये दोनों टॉपिक्स ही आपको अच्छे से समझ में आ गए। दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास। Still you have any doubt, you can comment. Thank you.